खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो गुरुजी। आज नवरात्र का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है रात्रि के बाद, क्योंकि आज है नवमी और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। बहुत सारे लोग आज कन्या पूजन करेंगे और व्रत खोल देंगे, कुछ लोग शाम का भी व्रत करेंगे। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से दशमी की तिथि भी शुरू हो रही है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के अंदर है। आज उसी पर हम बात करेंगे और साथ ही पूजा आपको कैसे करनी है, कौन सा है मुहूर्त, सही समय, सब कुछ हम गुरु जी से जानेंगे और रोजमर्रा वाली बातें भी होंगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? राम राम गुरु जी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड़ प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम और बोलिए अम्बे मैया की जय। गुरु जी, आज सिद्धिदात्री का दिन है, माता की आज पूजा होती है और कहते हैं कि सिद्धि देने वाली हैं और नवरात्र के अंतिम दिन जो उनकी आराधना करता है उसको 9 दिनों का फल मिलता है। लेकिन बात यह है कि पूजा कैसे की जाए, उसका सही समय, आज का रंग क्या है? दो चीजें रही हैं। हाँ। एक तो कुछ लोगों ने क्योंकि अभी मैं बताता हूँ अष्टमी कब शुरू समाप्त हुई, नवमी कब शुरू हुई, नवमी कब समाप्त होगी, तो कुछ लोगों ने रात्रि जागरण किया हुआ है। हाँ। अब वह जो है व्रत के पारण का दिवस इसे मना सकते हैं। कुछ लोग आज पूरी नवरात्रि जागरण करेंगे और कल कहीं विसर्जन भी होता है तो कल कहीं आयुध पूजा भी होती है, तो इसके बारे में बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। कुछ खास चीजें नोट कीजिए। नवमी तिथि प्रारंभ कब से हो रही है पता है आपको? 6 अक्टूबर से 10:54 से हो चुकी है। आसा तारीख 6 अक्टूबर को 10:54 तक अष्टमी थी, उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो चुकी है। और नवमी तिथि समाप्त कब हो रही है ये लिखिए, 7 अक्टूबर को 12:38 तक दोपहर में, इस समय नवमी समाप्त हो जाएगी, फिर दशमी तिथि शुरू होगी। अब जिन लोगों को दशमी तिथि की पूजा करनी है उसमें दो मत हैं। एक तो 12:38 के बाद से संध्या के बीच में कर लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दशमी तिथि सूर्योदय तिथि से करना होगा जो 8 तारीख को होगी, यानी कल होगी। समझ में आ गया? नहीं, कंफ्यूज हो गए? दोबारा से सुनिए। नवमी तिथि शुरू हुई थी 6 अक्टूबर को 10:54 से, और नवमी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 12:38 दोपहर को, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है जो लोग दशमी आज पूजना चाहते हैं और उनके घर कुल में आज पूजन की व्यवस्था है तो वह आज कर सकते हैं, और यदि सूर्योदय तिथि को पूजना है तो वह फिर आप 8 तारीख को ही कीजिएगा। ठीक है ना। अब प्रातः पूजा में यज्ञ किया, जो नवान मन से हवन कर रहे हैं आप वो किया, उस हवन का या यज्ञ का समय है 6:17 से 12:38 तक, इतने बीच में आप हवन कर लीजिए। आज हरा रंग आपने पहनना है या हरे रंग का धागा बांध लीजिएगा, ठीक, और फिर आप कन्या पूजन कर लीजिएगा। लेकिन ये सारी चीजें 12:38 तक कर लीजिएगा। फिर पारण होगा, बहुत दिनों से बहुत कुछ नहीं खाया ना, 12:38 के बाद खाना। कुछ लोग तो टूट पड़ेंगे 12:38 होने के बाद, और उसमें भी ये समय अपनी सूर्योदय तिथि से मिला लीजिएगा। ये दिल्ली में सूर्योदय तिथि के अनुसार 12:38 है। अगर आपका समय दिल्ली से पहले का हो, यानी सूर्योदय का समय पहले का हो, तो जितनी देर पहले का हो 12:38 उतना समय घटा दीजिए, जितनी देर बाद का हो उसमें 12:38 जोड़ दीजिएगा। वैसे कमोबेश 1:15 के आसपास फिर आप अपने उपवास का पारण कीजिएगा, और जो दशमी पूज रहे हैं
वो दशमी की पूजन करने के बाद खाएं, ठीक? तो वाकई बहुत बड़ी विशेषता है और देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे गुरुजी ने बताया कहीं दुर्गा विसर्जन की परंपरा है तो कहीं अपने अपने अंदाज में लोग पूजा करते हैं, लेकिन बड़ी बात ये गुरुजी आज की पूजा की विशेषता क्या है? जी सुनिए, आज की जो पूजा है 6 तारीख जिन्होंने नवरात्रि की उपासना की है, जो सिद्धिदात्री की उपासना है या विजय शक्ति की उपासना है। दरअसल साधना का अपना एक तंत्र होता है, तंत्र से मेरा वो वाला तंत्र नहीं, सिस्टम, तंत्र से मतलब सिस्टम, साधना का अपना एक सिस्टम होता है, पहला पायदान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके वो एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम के अनुसार जो उसकी सर्वोच्च गति है वह नवमी की रात है, यानी कल जो तिथि लगी थी 6 तारीख को, फिर अगले दिन सुबह को यानी आज यज्ञ हवन करके, कन्या पूजन करके, और फिर आप जब दशमी तिथि लग जाती है तब उसका पारण करते हैं जो 12:38 से लगती है, तब जाके आपकी नवरात्र की पूजा पूर्ण होती है, अन्यथा पूर्ण नहीं होती है। तो वाकई सिद्धिदात्री की आराधना बहुत फलदायी है और क्या इसकी विशेषता और महत्ता है ये आपने समझ लिया, पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि पूजा करनी कैसे है, सही समय और वो मंत्र कौन सा है ये सब हम गुरुजी से जानेंगे, लेकिन पहले राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुजी पहली 4 राशियों का दिन। जी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल सुने। मेष राशि, भाग्य पक्ष ठीक है आपका, जम के मेहनत करें, चीजें ठीक होंगी, आपको रास्ते मिलेंगे, लेकिन एक सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं और एक छोटा सा उपाय ओम रुद्राय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के लिए ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, कुछ मन उदास सा भी रहेगा, परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन एक सावधानी, इस दिन घर के बुजुर्गों के हालचाल पूछते रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, चावल का दान करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, काम पर जुटें। मिथुन राशि, यह दिन नए रिश्ते जोड़ने के लिए अच्छा है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन अपनी ओर से कोई ऐसी गलत बात ना कहिएगा और ना बोलिएगा, ना किसी अन्य व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहिएगा, नहीं तो रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, आप माँ दुर्गा के सामने बैठिए और उनका रूप निहारते हुए थोड़ी देर ध्यान कीजिए, यज्ञ कीजिए, फिर काम पे जुटिए। कर्क राशि, समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, लेकिन एक सावधानी विशेष रूप से रखिएगा, आप इस दिन ठंडी चीजों से परहेज कीजिएगा और एक उपाय कर लीजिएगा, इस दिन दही चावल इनका दान अवश्य कीजिएगा। और अब उन लोगों की बात जिनका है आज जन्मदिन, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आज जिनका भी जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपके काम बनेंगे, काम बढ़ेंगे, बल्कि मैं कहूं काम बढ़ेंगे, जो नया कार्य 2018 के अंत में प्रारंभ हुआ था या 2019 के जनवरी फरवरी में प्रारंभ हुआ था वह कार्य आपका आगे बढ़ेगा, इसलिए आप बिंदास होकर आगे चलिए, बस सावधानी एक रखनी है, इस 12 महीनों में एक तो आलस्य से बचिएगा और तबीयत अपनी दुरुस्त रखिएगा, क्योंकि बीमार पड़ गए तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। उपाय क्या करेंगे, घर के बुजुर्गों को रोजाना दूध दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से दीजिएगा, और दूसरी चीज ये है शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को अथवा बुजुर्ग महिला को खीर जरूर खिलाया कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। साल का हाल आपने जान लिया, लेकिन आपको क्या नहीं भूलना है, वो उपाय जो गुरु जी ने आपके लिए बताया है। और अब नवरात्र महात्मय, गुरु जी के अनुभवों से सीखने और प्रेरणा लेने का वक्त है, गुरु जी आज क्या साझा करेंगे आप? एक बहुत बहुत मीठा ऐसा अनुभव है, वह मैं आपके साथ साझा करता हूँ, एक वाक्य सुनाता हूँ। मैं अक्सर सोचता था नवरात्र लिखा हुआ है तो सप्तमी में कुछ लोग उपवास क्यों खोल लेते हैं और पूजा बंद क्यों कर देते हैं, या अष्टमी पर कुछ लोग उपवास क्यों खोल लेते हैं और पूजा बंद क्यों कर देते हैं,
ये तो नवरात्र है। ढूंढता मैं इसी निष्कर्ष पर आया कि ये नवरात्र है। एक भाई साहब थे, बहुत सारे कार्य उनके लास्ट मोमेंट पे रुक जाते थे और थोड़ी सी उनकी प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं थी। तो एक तो बेवकूफ़ी वाली बातें करते थे, किसी से कुछ भी कह देते थे, उनको अपनी भाषा पर वाणी पर नियंत्रण नहीं था और वो समझते थे मैं बहुत काबिल हूँ। दूसरे जो लोग थे जो शायद वास्तव में काबिल होते होंगे वो उनसे भाग जाते थे। उनको ये लगता था कि मेरा अपयश हो जाता है, मेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि मैं सीधी बात कहता हूँ। बहुत सारे सीधी बात नहीं भी कहते हैं लेकिन लोगों को ये गुमान होता है कि वो सीधी बात कहते हैं, तो काम अटक जाते थे। मैंने एक दिन डरते डरते निवेदन किया, भाई साहब आप थोड़ा सौम्य नहीं हो सकते क्या? भाई मैं तो सौम्य हूँ भाई, लेकिन गलत बात मुझसे नहीं सही जाती। मैंने कहा आपको ये निर्णय का अधिकार कैसे मिल गया कि दुनिया में बाकी सब गलत है और आप सही? क्या करूं? और वो दुखी होने लगे। फिर मैंने कहा नवरात्र के दिन दशमी तिथि के अंत तक, नवरात्र से नवी तिथि से प्रारंभ करें, दशमी तिथि के अंत तक आप अपने इष्ट का मंत्र जपते रहिए और अगर ओम ऐम ह्रीम क्लीम नमः चंडिकाय करेंगे तो क्या कहने? ये तो बड़ा कठिन है। जी हाँ कठिन है, लेकिन बीच बीच में आप 5-5 10 माला या 15 माला के बाद थोड़ा टहल सकते हैं, मुंह हाथ धो सकते हैं, हल्की फुल्की कोई चाय भी पी सकते हैं, लेकिन आपको गर्ष्ट भोजन या भारी भोजन यहाँ तक कि फल भी नहीं लेने। स्थिति संकटपूर्ण थी इसलिए वो इस पूजा को करने को तैयार हो गए। अध्यात्म की शरण में ज्यादातर लोग तभी आते हैं जब उनके स्थितियां संकटपूर्ण हो जाती हैं। खुशी खुशी आने वाले तो बहुत कम लोग हैं। तो उन्होंने सब कर दिया और एक खास बात मैंने देखी कि ज्यो ज्यो समय बीतता जा रहा था उनमें निष्ठा बढ़ती चली जा रही थी, अनुशासन बढ़ता चला जा रहा था। उन्होंने हालांकि उनके कमर पैरों की हालत खराब हो गई बहुत, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और माँ को प्रसन्न कर लिया। और माँ ने उसके बाद एक वर्ष के अंदर अंदर या शायद थोड़ा सा समय ज़्यादा रहा होगा, उनका व्यापार, प्रतिष्ठा, उनका पद आदि ये सब उन्हें दिया। लेकिन इसका जो उन्हें पद वद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक ख़ास बात जो हुई वो ये कि वह शख्स साधु हो गया। साधु मतलब ये नहीं भगवा पहन के और घर छोड़ के चले गए, साधु एक व्यवहार होता है, यानी वह शख्स एक बहुत नेक इंसान बन गया और उन्हें सब प्यार करने लगे। और शायद इसी वजह से वो लोग जो उनसे छिटक कर भागते थे उन्हें उन्होंने उनकी मदद कर दी। तो वाकई दूसरों के ऊपर क्या बीती है, उन्होंने उस मुश्किलों से लड़के कैसे उसको पार पाया है, ये सब बातें हमें प्रेरणा देती हैं। और अब सिद्धिदात्री की आराधना में किन खास बातों का ध्यान रखें? आज एक खास बात मैं कहना चाहूंगा, पूजा करने के उपरांत एक काम जरूर कीजिएगा या हवन करने के उपरांत एक काम जरूर कीजिएगा और वो ये है क्षमा प्रार्थना। उच्चाई स्वर में कम से कम एक बार तो क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा, नहीं तो 3 बार करने तो क्या कहना है? बहुत गलतियां होती है। आवाहन न जाना मी त्वार्थी, हम पूजा करना, आह्वान करना, अर्चना करना कहाँ जानते हैं, गलतियां बहुत होती हैं, कहीं कहीं मन भटकता भी है। लेकिन माँ की शरण में जा जो जगदम्बे कहकर स्वयं को समर्पित कर देता है, माँ उसका कल्याण कर देती है, इसलिए क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। तो वाकई देवी तो देवी है, माता है, इसीलिए तो माता है, कोमल हृदय है, तो इसीलिए क्षमा भी मांग लीजिए। जो भी कुछ जाने अनजाने में गलत हुआ है आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। और अब दिन का शुभ शुभ समय गुरु जी वो क्या रहेगा? पहले अशुभ समय फिर शुभ समय। दो मुहूर्त रहेगा 12:32 से 1:18 दिन में, उसके बाद 2:51 से 3:38 तक दिन में। गुलिक काल रहेगा दोपहर में 1:36 से 3:03 तक। यमगण काल रहेगा सुबह 10:42 से 12:09 तक और राहु काल रहेगा सुबह 7:48 से 9:15 तक।
शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:46 से 12:32 तक और अमृत काल रहेगा सुबह 10:24 से 12:10 तक। ध्यान रहे, कोई भी महत्वपूर्ण काम, इम्पोर्टेंट मीटिंग, कुछ नया या बड़ा शुरू करने जा रहे हैं तो शुभ अशुभ समय को जरूर याद रखिएगा। गुरुजी, बीच की चार राशियों का दिन कैसा होगा? सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल सुने। सिंह राशि, इस दिन आपके बोलने से और सही व्यवहार करने से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा कि आप अपने रीढ़ की हड्डी का इस दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कोई परेशानी महसूस करें चिकित्सक से सलाह ले लें। उपाय लेकिन एक छोटा सा कर लेंगे तो प्रभु सब ठीक करेंगे। एक तो शहद का दान इस दिन जरूर कीजिएगा और सूर्य को जल अवश्य दें। कन्या राशि, इस दिन क्रोध से बचिएगा, क्रोध की वजह से आपको नुकसान हो सकता है या जल्दबाजी की वजह से नुकसान हो सकता है। इस दिन मन बहुत शांत और चतन में रखिएगा, बस एक छोटा सा उपाय कर लें। इस दिन आप पका हुआ भोजन जरूर किसी को खिलाइएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तुला राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, सम्मान की दृष्टि से यह दिन कमजोर है। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत का ख्याल रखिएगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन अहंकार वश किसी से बात मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, थोड़ी देर ध्यान कीजिए अपने इष्ट का, उसके बाद अपने काम पर जुड़ जाइए, प्रभु जी अपने आप सब ठीक कर देंगे। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष अच्छा, इसलिए आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है, विशेष कार्य के लिए अगर कहीं आप जा रहे हैं तो आप थोड़े से चावल के दाने अपनी जेब में जरूर डाल लीजिएगा और बहुत तोल मोल कर बोलिएगा। उपाय क्या करना है, ओम हनुमते नमः का जप कर लीजिए, जितना भी आप पे वक्त हो फिर अपने काम पे जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो बार बार हम आपको याद दिलाते हैं, सावधानी और उपाय नोट करते जाइए, अपने राशियों के हिसाब से गुरुजी बता रहे हैं। लेकिन आज एपिसोड की शुरुआत में ही हमने बताया था गुरुजी आज से दशमी तिथि भी शुरू हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आज जो लोग आज दशमी मना रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ टिप दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो लोग दशमी की पूजा करेंगे उनके लिए आयुध पूजन का अथवा वाहन पूजन का विजय मुहूर्त वह लिख लें। 2:06 से 2:53 तक है दिन में, दोपहर में 2:06 से 2:53 तक है। यदि आपके घर में शस्त्र हो तो शस्त्र पूजन कीजिएगा, जिसका कलम शस्त्र है वो कलम पूजन कीजिएगा, किताब आदि की पूजा कीजिएगा और साथ साथ वाहन पूजा जरूर कर लें। खास तौर से यदि आपको ये लगता है कि वाहन दुर्घटनाएं आजकल बहुत हो रही हैं तो वाहन पूजा कर लें। वाहन पूजा में क्या है, अपने इष्ट का चित्र वहाँ ले जा कर रख दीजिए और उनका वहाँ तिलक कर दीजिए, वो बचाएंगे आपको। तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना सब कुछ एक दूसरे से बात करके कंफर्म करते हैं फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, आज गुरुजी ने पूरी तरह बहुत ही साधारण और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आपको समझा दिया है कि दरअसल करना क्या है, कैसे करना है। और अब अंतिम चार राशियों का हाल गुरुजी, उनका राशिफल जी, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है लेकिन मन चूंकि उदास रहेगा, काम करने को नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन चिड़चिड़ापन नुकसान देगा। उपाय क्या करना है, आज आप लोगों को जल पिलाइए सौंफ के साथ, देखिए आपका दिन कितना बढ़िया गुजरता है। मकर राशि, ये दिन अच्छा तो है लेकिन बहुत सारे विचार इधर उधर आते रहेंगे जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। आर्थिक स्थिति को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए धन खर्च सोच समझ के करें, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन लिए गए निर्णय अच्छे हो सकते हैं, अगर उसमें बुजुर्ग अपनी सलाह दे दें तो उन्हीं के माध्यम से निर्णय लीजिएगा। छोटा सा उपाय, दूध या दूध से बनी चीज का दान करें। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष मजबूत है इसलिए चम के काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन आग बिजली से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए एक तो सतर्कता के साथ काम करें और दूसरी चीज है एक पीला टीका अपने मस्तक पर जरूर लगा लें। मीन राशि, दिन बहुत अच्छा है, खुल के काम कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, परंतु एक सावधानी, इस दिन पेट और पीठ का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा,
इस दिन हल्दी का दान या बेसन का दान या दोनों का भी हो सकता है, ये जरूर कर दीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। तो दिन तो आपका अच्छा हो गया और माँ सिद्धिदात्री से कैसे आपको आशीर्वाद पाना है ये भी गुरुजी ने बता दिया। अब वो विचार भी सुन लीजिए जो हमारा दिन और अच्छा बनाएगा। गुरुजी आज का विचार, चाणक्य की एक बात सुनाता हूँ, ऋषि चाणक्य की। चाणक्य कहते हैं हमें भूत के विषय में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते। वाकई गुरुजी ने कितनी अच्छी बात आपको बताई है। कई बार भूत और भविष्य के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान खो देते हैं, तो इन खुशियों को क्यों खोना, उसे भी जिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो माँ की कृपा आप पर बरसे, आप आपका परिवार खूब सुखी रहे, जिंदगी में आगे बढ़े, दूसरों के काम भी आ सके, इस कामना के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय, और अम्बे मैया की जय। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।